अब बात करते हैं एक मुल्क को हिंदुस्तान की सौगात की, उस गिफ्ट की जिसने उस देश के बुरे दिन खत्म करने वाला और किस्मत बदलने वाला बताया जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि शायद भारत ने किसी देश को पैसों से मदद की है या फिर हो सकता है कोरोना की वैक्सीन दी हो, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल भारत ने केवल 38 लाख की आबादी वाले एक देश को उसकी देवी से मिलवाया है, 394 साल का इंतजार खत्म करवाया है, नई दोस्ती की शुरुआत की है और इस नई दोस्ती के जरिए अपने पुराने दोस्त रूस को उसके पाकिस्तान प्रेम का जवाब भी दिया है। लेकिन सवाल है कैसे और क्या है उस देवी का रहस्य, हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए। ये वो तस्वीरें जिनके पीछे वो रहस्य छिपा है जिसके बारे में अब तक बहुत कम लोग जानते थे। ये कहानी है एक देश को 394 साल बाद उसकी देवी मिलने की। ये कहानी है 38 लाख लोगों के दिलों में हिंदुस्तान के बसने की। ये कहानी है हिंदुस्तान की उस सौगात की जिससे एक मुल्क में दुख के दिनों की उलटी गिनती शुरू कर दी गई है। और इस कहानी में सबसे अहम किरदार है विदेश मंत्री एस जयशंकर। क्यों और कैसे ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि आखिर किस देश को 394 साल बाद उसकी देवी मिली और उस देवी को आखिर देवी का दर्जा क्यों मिला था। ये तस्वीरें जॉर्जिया की महारानी संत केतेवन की है। क्वीन केतेवन 17वीं शताब्दी में जॉर्जिया की रानी थी। वो ईरान के शिराज में शहीद हो गई थी। कहते हैं कि ईरान में उनकी हत्या कर दी गई थी क्योंकि उन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया था। जबरन धर्मांतरण के खिलाफ लड़ाई और कुर्बानी के चलते जॉर्जिया में उन्हें देवी की तरह पूजा जाने लगा। लेकिन उनके अनुयायियों के मन में एक टीस हमेशा से थी और वो टीस ये थी कि इंसानी रूप में जो देवी उनके बीच रही उसकी पूजा के लिए उनके अवशेष तक नसीब नहीं हुए। बताते हैं कि क्वीन केतेवन के कुछ अनुयायी उनके अवशेष छिपाकर समुद्री रास्ते भारत ले आए थे। 1627 में क्वीन केतेवन के अवशेषों को गोवा लाया गया था और यहां किसी चर्च में रखा गया था जो वक्त बीतने के साथ खंडहर में तब्दील हो गया। बाद में पुर्तगाली कागजातों के आधार पर 2005 में उस चर्च की खोज की गई जहां क्वीन केतेवन के अवशेष मिले। इन अवशेषों का जॉर्जिया को लंबे समय से इंतजार था और ये इंतजार खत्म हुआ विदेश मंत्री एस जयशंकर के जॉर्जिया दौरे के साथ, जब उन्होंने जॉर्जिया सरकार को क्वीन केतेवन के अवशेष सौंपे। टुडे इज अ स्पेशल डे नॉट ओनली फॉर जॉर्जिया बट ऑल्सो फॉर इंडिया। आई हैव द ऑनर टू हैंड ओवर द होली रिलिक्स ऑफ सेंट क्वीन केतेवन टू द पीपल ऑफ जॉर्जिया। आई कंसिडर माई सेल्फ ब्लेस्ड दैट द पर्पस of my first visit to Georgia is such an auspicious one. जॉर्जिया एक बेहद धार्मिक प्रवृत्ति वाला देश माना जाता है और वहां संत क्वीन केतेवन की अहमियत देवी की तरह है। अहमियत और आस्था को इस बात से ही समझा जा सकता है कि समारोह में जॉर्जिया के प्रधानमंत्री से लेकर तमाम मंत्री तक मौजूद थे। भारत से इतनी बड़ी सौगात मिलने के बाद जॉर्जिया के लोग शुक्रिया कहते नहीं थक रहे हैं। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि संत क्वीन केतेवन के पवित्र अवशेष मिलने से अब जॉर्जिया के दुखों के दिन बीत जाएंगे। 1991 में सोवियत संघ से आजादी पाने के बाद जॉर्जिया में पहली बार किसी भारतीय विदेश मंत्री की यह यात्रा रही। इससे पहले रूस के गुस्सा हो जाने के डर से कभी किसी भारतीय विदेश मंत्री ने जॉर्जिया की यात्रा नहीं की। दरअसल भारत अभी तक अपने पारंपरिक मित्र रूस की वजह से जॉर्जिया के साथ रिश्तों को खास तवज्जो नहीं दे रहा था, लेकिन संत क्वीन केतेवन के अवशेषों को जॉर्जिया को सौंपने का जो कदम उठाया गया है उससे भारत और जॉर्जिया के बीच जो खाइयां हैं उसको पाटने के संकेत मिल रहे हैं। एक ओर ये दौरा भारत और जॉर्जिया के बीच दूरियां कम करने वाला साबित हुआ तो दूसरी ओर जॉर्जिया के कट्टर विरोधी देश रूस को चिंता में डालने वाला रहा। रूस जॉर्जिया संबंध भारत और पाकिस्तान की तरह है। रूसी सेना ने जॉर्जिया क्षेत्र के लगभग 20% हिस्से पर 1990 के दशक में सोवियत संघ के टूटने के बाद से कब्जा किया हुआ है। 2008 में दोनों देश बड़ी जंग भी लड़ चुके हैं। जॉर्जिया अमेरिका का सहयोगी देश है इसलिए भी उसका रूस के साथ तनाव बना रहता है। लेकिन भारतीय विदेश मंत्री की जॉर्जिया यात्रा को
कूटनीतिक हलकों में रूस को कड़े जवाब के रूप में देखा जा रहा है। क्यों, जरा वो भी समझिए। इसी साल 6 अप्रैल को रूसी विदेश मंत्री लावरो 19 घंटे के भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन भारत यात्रा के ठीक बाद रूसी विदेश मंत्री पाकिस्तान के दौरे पर भी पहुंच गए। बीते 9 साल में पहली बार था जब रूस के विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंचे थे। भारत के साथ संबंधों को लेकर रूस शुरू से पाकिस्तान से किनारा करता रहा, लेकिन 2009 के बाद भारत और अमेरिका के बीच घनिष्ठ संबंधों के बनने से बेचैन रूस ने पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना शुरू कर दिया। यही कारण है कि भारत के लाख विरोध के बावजूद रूसी सेना ने पाकिस्तान के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास तक किया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।